नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि इन दिनों जो जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं और आज जो उनका धन्यवाद यात्रा है वो आरा में, और ऐसे में धन्यवाद यात्रा के दौरान जदयू एमएलसी संजय सिंह को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए संजय सिंह धन्यवाद यात्रा पर निकले। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते में काफ़ी अपार समर्थन मिल रहा है, हजारों हजार की संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो संजय सिंह के साथ मौजूद है और काफ़ी लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से बीच रास्ते में संजय सिंह का जगह जगह पर काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, घोड़े भी स्वागत में तैयार है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले राजधानी पटना में सूरवीर महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जिसमें काफ़ी अहम भूमिका, काफ़ी अहम योगदान था जदयू एमएलसी संजय सिंह का। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए जो जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो इन दिनों धन्यवाद यात्रा पर निकले हैं और आज उनका धन्यवाद यात्रा आरा में। और आपको बताते चले कि पटना से आरा आने के दौरान बीच रास्ते में काफ़ी भव्य तरीके से संजय सिंह का लोगों के द्वारा स्वागत भी किया गया। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से जगह जगह पर काफ़ी भव्य तरीके से जो जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, स्वागत में घोड़े भी तैयार हैं, काफिला में हजारों हजार की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को इस धन्यवाद यात्रा में लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं संजय सिंह, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए इन दिनों संजय सिंह धन्यवाद यात्रा पर निकले। एक बार आपको हम फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से रास्ते में काफ़ी भव्य तरीके से जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत में खूब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, खूब संजय सिंह जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं और साथ ही साथ घोड़े भी तैयार हैं संजय सिंह के स्वागत में। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया किस तरीके से बीच रास्ते में रोक रोक कर लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, काफ़ी उनको अपार समर्थन भी मिल रहा है। ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, घोड़े भी इस स्वागत के लिए तैयार है। और आज जो संजय सिंह है उनका आज धन्यवाद यात्रा का जो कार्यक्रम है वो आरा में रखा गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए वो इन दिनों धन्यवाद यात्रा पर निकले। आपको बता दें कि इनका धन्यवाद यात्रा सहरसा जिले में भी था, फिर उसके बाद बांका में हुआ और आज उनका जो धन्यवाद यात्रा है वो आरा में रखा गया। और ऐसे में धन्यवाद यात्रा के दौरान संजय सिंह को लोगों का काफ़ी अपार समर्थन भी मिल रहा है, काफ़ी भव्य तरीके से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।